बड़े ही सालों बाद हमें इंडियन सिनेमा में कुछ अलग कुछ यूनिक देखने को मिला जिसने काफी हद तक मुझे इम्प्रेस किया। तो हाल ही में Zee5 पर एक वेब सीरीज आई है 11-11 नाम से, जिसमें हमें कुछ अलग टॉपिक एक्सपीरियंस करने को मिला जैसे कि टाइम ट्रैवलिंग। देखो सीरीज की कहानी कुछ ऐसी है कि कहानी तीन टाइमलाइंस में चलती है, जैसे कि 1990, 2001 और 2016, जिसमें हमें दो मेन कैरेक्टर दिखाई जाते हैं जो दोनों ही पुलिस में होते हैं, जिसमें से एक प्रेजेंट में होता है 2016 में और दूसरा 2001 में। फिर भी वो दोनों एक दूसरे से बात कर पाते हैं एक ट्रांसमिशन के जरिए जो पुलिस के पास होता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से लिंक्ड है और कुछ पुराने केसेस है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब वो दोनों मिलकर कैसे पास्ट में की गई गलतियों को सुधारते हैं और इन पुराने केसेस को सुलझाते हैं और आखिर में उन अपराधों के पीछे कौन से छुपे हैं, ये आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। वैसे तो ये वेब सीरीज एक कोरियन टीवी सीरीज की इंडियन एडेप्टेशन है जिसका नाम सिग्नल था, जो कि 2016 में आई थी। लेकिन इस सीरीज को जिस तरीके से अडेप्ट किया गया है वो तारीफ के काबिल है। सीरीज की कहानी को प्रॉपर इंडियन तरीके से लिखा गया है जिससे हमें कैरेक्टर से कनेक्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगती। ऊपर से सीरीज ऐसे चलती रहती है मानो कहीं पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सीरीज ने यहाँ पे अपना पेस छोड़ दिया है। पहले एपिसोड से ही सीरीज एकदम पिक पकड़ लेती है, जैसे कि हमें पहले दो एपिसोड में ही क्लाइमेक्स देखने को मिल गया हो और वो पहले के दो एपिसोड ही काफी आपको इस सीरीज से कनेक्ट करने के लिए। उन दो एपिसोड के बाद हमें एक अलग केस दिखाया जाता है जो अगले वाले से कनेक्टेड होता है, जिससे हमें सीरीज को आगे देखने की और इच्छा होती है। और ऐसे करके आप कब इस सीरीज के 8 एपिसोड खत्म कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस इंडियन एडेप्टेशन में कहानी उत्तराखंड के देहरादून में सेट की गई है, जहां से सीरीज के लीड एक्टर राघव जुयाल भी आते हैं, तो मेकर्स ने सीधे उनको ही कास्ट कर लिया और साथ में उनका रियल नेम भी इस्तेमाल किया। और राघव जुयाल ने जो एक्टिंग की है वो लाजवाब थी। किल मूवी के बाद उनको काफी सराहना मिली थी, जिसपे उन्होंने इस सीरीज के जरिए मोहर लगा दी है कि उनमें टैलेंट तो है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इंस्पेक्टर के कैरेक्टर में सूट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने उन्हें ज्यादातर कॉमेडी ही करते देखा है इसलिए शायद। बाकी उनके अलावा भी सीरीज में जितने भी एक्टर हैं उन्होंने अपना काम बखूबी किया है। एक दूसरे लीड एक्टर भी है धैर्य कारवा, उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगाया हुआ दिखता है। शायद मैंने उन्हें पहली बार देखा है लेकिन उनकी एक्टिंग ने मुझे काफी इम्प्रेस किया। बाकी सबने अपना काम ठीक ठाक किया है। वैसे तो टाइम ट्रैवल वाली मूवीज या सीरीज हमने बहुत देखी है लेकिन वो ज्यादातर बाहर की ही होती है। इंडिया में टाइम ट्रैवल को लेकर काफी मूवीज बनी तो है लेकिन इस सीरीज का कॉन्सेप्ट कुछ अलग था, तो ये सीरीज हमें इम्प्रेस करने में कामयाब रहती है। बाकी किसी किसी जगह आपको साफ पता चल जाता है कि ये सीन ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इस सीरीज को काफी लिमिटेड बजट के साथ बनाया गया है। लेकिन अगर ये सीजन चलता है तो डेफिनेटली सीरीज के मेकर्स आने वाले सीजन में इस पर ध्यान देंगे। बाकी हाँ, इस सीजन में हमें कुछ बड़े सवालों के जवाब नहीं मिलते जो मुझे जानने थे, जिसके लिए सीरीज में हमें कोई क्लू तक नहीं मिलता, लेकिन शायद हमें आगे आने वाले सीजन में देखने को मिल जाए। अगर आप कुछ नया देखना चाहते हो, कुछ अलग या रियलिटी से कुछ दूर वाला टॉपिक, तो ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। कुछ ज्यादा नहीं, 8 एपिसोड है बस, वो भी 40 से 50 मिनट के, तो 6 घंटे में आप पूरी सीरीज देख लोगे। बाकी मुझे तो ये सीरीज अच्छी लगी, आपको भी जरूर पसंद आएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।